आज एक दिलचस्प मौजू लेकर आई हूँ और वो मौजू ये है कि आजकल एक ड्रामा बड़ा टॉप ट्रेंड कर रहा है तेरे बिन के नाम से। नौजवानों में, बूढ़ी खवातीन में, हर उम्र के लोगों में इस वक्त ये ड्रामा जो है वो अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस ड्रामे की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज को टारगेट किया गया ना वो औरत की फैंटेसी है। औरत को वो फैंटेसी दिखाई है जिस फैंटेसी में वो रहना चाहती है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी जिंदगी दिखाई गई है जिसका ख्वाब हर औरत देखती है, लेकिन रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। और अभी उस मैं शायद इसके ऊपर बात कभी ना करती, बड़ा टाइम हो गया इस ड्रामे के ऊपर लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कोई बात करें, आप इस पर अपनी राय दें, लेकिन मैं इस पर नहीं देना चाह रही थी। मुझे लगता है इस तरह के ड्रामे जो है वो जंक होते हैं जिनको आप बस टाइम पास करने के लिए, टाइम किल करने के लिए आप देखते हैं। लेकिन अब उस ड्रामे की क्योंकि मकबूलियत इतनी ज्यादा हो गई है और उसका असर बराह रास्त लोगों की जिंदगियों पे पड़ रहा है और उसमें एक ऐसा एक्ट हो गया है आपकी बच्चियों के लिए, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए हो सकता है खतरनाक हो, जो मुझे देख रही हैं खवातीन और बच्चियां, तो वहां पे मीरब जो है वो अपने शौहर को थप्पड़ मार देती है गलतफहमी की बेस पे। गो के इस पे बहुत से लोग दलील देंगे कि जी बहुत से ऐसे वाकयात थे जो इसके लिए ग्राउंड पेव कर रहे थे, लेकिन किसी के ऊपर भी वॉयलेंस करना मियां बीवी के रिश्ते में, वॉयलेंस मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, जस्टिफाइड नहीं है। आप नहीं कह सकते कि हमने अपने पार्टनर के ऊपर वॉयलेंस किया तो इसकी ये रीजन है। वॉयलेंस इज वॉयलेंस, सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लें। अच्छा, होगा क्या, इसके असरात क्या होंगे? आप एक मौशे की लड़कियों में ये सोच डाल रहे हैं कि वो भी थप्पड़ मार सकती है, वो भी थूक सकती है, मतलब कितना एक गिरा हुआ एक्ट है। और इससे होगा क्या, इससे जो पहले घर टूटने की शरह इतनी बढ़ चुकी है अब वो मजीद बढ़ेगी, वो इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आपको कोई जुड़ा हुआ घर मिलेगा तो आप सोचेंगे यार ये लोग नॉर्मल है। मतलब आप चीजों में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? मैं ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों से ये सवाल करती हूँ कि आप क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप इंसानी सफात के हवाले से क्या बता रहे हैं? सबर, तहम्मुल, बुढ़बारी, बर्दाश्त, सुलह रहमी, इसके ऊपर आप कोई ड्रामे क्यों नहीं बनाते? आपको बनाने ही होते हैं ड्रामे, तो आप वो टॉपिक्स क्यों उठाते हैं जो कि वॉयलेंस को फरोग देने में किरदार अदा कर रहे होते हैं?